बच्चों के लिए दुआ करना एक ये चीज़ है और दूसरा बच्चों को दुआ सिखाना एक ये दोनों चीज़ें बहुत हैं। सही। सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों के लिए दुआ करवाना, सही, ये बड़ी अहम चीज़ है जी। बच्चों के लिए दुआ, वालिदैन की जो दुआ है अल्लाह ताला कबूल करता है बच्चों के लिए, ये मकबूल तरीन दुआओं में से ये है कि आप अपने किसी बड़े से दुआ और उसकी गैर मौजूदगी में, अगर आपकी गैर मौजूदगी में वो दुआ करता है अल्लाह ताला आपको कितनी मुश्किलात आसान कर देता है। बेशक। तो बच्चों के लिए दुआ करना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आते थे पूरे अहले अरब सहाबा किराम अपने बच्चों को लेकर आते सबसे पहले हुजूर की खिदमत में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पे हाथ फेरते और उनके लिए बरकत की दुआ करते थे। तो ये और कितने ही वाकयात हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चों को लाया गया, आपने उनके लिए दुआ की। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऐसे बहुत से वाकयात हैं, जैसे हज़रत हसन बसरी हैं, तो हज़रत हसन बसरी जब छोटे बच्चे होते थे तो हज़रत उम्मे सलमा के घर में इन्होंने परवरिश पाई, और वो उनके जो वालिदा थी वो उनके पास भेजती थी कि आप वहाँ पर जाएँ बड़े घर में और उनसे कहती थी इनके लिए दुआ करें। तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके लिए दुआ करवाई कि ये बच्चे के लिए आप दुआ करें। तो उन्होंने हज़रत हसन बसरी के लिए, जो अफजल ताबीन कहलाते हैं, उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इसको फिका दे, इसको दीन की समझ सिखा दे। तो वो माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, अब पूरी दुनिया हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह का नाम लेती है। इसी तरह बहुत से वाकयात और भी आते हैं जिसमें सहाबा किराम अपने बच्चों को लेकर आते थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदम का एक वाकया है, इमाम बुखारी का बड़ा मशहूर वाकया है, हज़रत इब्राहिम बिन अदम जो थे, इनके वालिद जो अदम थे, जब उनकी इब्राहिम की पैदाइश हुई तो इनको ले लेकर मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की महफिलों में जाते थे। अच्छा। तो हालांकि वो बादशाह बने जी, लेकिन वो ऐसे बादशाह बने कि उन्होंने फिर बादशाहत का ट्रेंड चेंज कर दिया और एक ऐसी ज़िंदगी मुतारिफ़ कराई कि जिससे पता चलता है कि अल्लाह के लिए कुर्बानी देना क्या होता है। तो उनके लिए बचपन में दुआ की बुज़ुर्गों ने, वो बुज़ुर्गों की महल्ले में या कहीं भी उनके शहर में कोई बुज़ुर्ग आता था, उनके वालिद बच्चे को लेकर जाते, कहते इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ने वही दुआ कबूल की कि वो बादशाहों के भी सरदार बने, सूफिया के भी सरदार बने और दुनिया में जन्नत के परवाने लेकर गए।